स्टार्ट करते हैं जेई मेंस 10th अप्रैल शिफ्ट पेपर 2 का डिस्कशन। अगर पेपर 2 के बारे में हम देखें तो कंपेयर शिफ्ट 1 के ये पेपर थोड़ा इजी था। कम शिफ्ट 1 के पेपर में क्वेश्चंस टाइम ज्यादा ले रहे थे, पेपर लेंथी था, कहीं ना कहीं टाइम लग रहा था, पर इस पेपर को अगर हम देखें इजी था, कंपेयर टू शिफ्ट 1 इजी था। देखें वन ऑफ बोला सॉरी हाइपर बोला एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 इज एक्स इक्वल टू माइनस 9 बाय 5। ये हाइपरबोला दी, इसकी एक डायस्ट्रिक्स दी है, तो ऑब्वियसली माइनस दिया तो ये इधर वाली तरफ हो गई। आपसे बोला देन द करस्पॉन्डिंग फोकस ऑफ हाइपरबोला। अब देखिए अगर डायस्ट्रिक्स वाला पोर्शन निगेटिव है तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग जो फोकस होगा वो होगा माइनस एई कॉमा 0, राइट। आपको केवल इससे ई कैलकुलेट करना है। ई क्या होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 5 बाय 3। तो ए ई कितना हो जाएगा, ए 3 है, 3 × 5/3 इक्वल टू 5। अब क्योंकि x इक्वल टू माइनस 9/5 के कॉरेस्पॉन्डिंग पूछिए तो माइनस 5, 0। अगर आपने नहीं दिया, अगर x इक्वल टू सपोज प्लस 9/5 के पूछते तो 5, 0 भी होता, और यहां पर ध्यान दें तो 5 भी एक ऑप्शन है, ये मिस्टेक हो सकती थी, केयरफुल रहिएगा। तो करेक्ट आंसर इज -5, 0, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन एक और शिफ्ट में आया था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बस यहाँ लिमिट दी हुई है, sec पावर 2 की cosec पावर 4/3, दोनों पावर का सम किया तो 2, और अगर अपॉन में cos आ गया तो -2। इवन नेगेटिव इंटीजर हो तो आपको पता है डायरेक्टली पुट tan x इक्वल टू t, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो π/6 to π/3, देखिए ऐसा हो जाएगा dx अपॉन cos x की पावर 2/3 लॉजिकली और sin x की पावर 4/3। इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने बताया, tan x बनाना है तो tan कैसे बनेगा, तो ऑब्वियसली cos x की पावर 4/3 का डिवाइड cos x की पावर 4/3 का मल्टीप्लाई, स्टेप समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 6/3, यानी ऐसा फाइनली कुछ ऐसा मिलेगा sec स्क्वायर x अपॉन tan x की पावर 4/3 dx π/6 to π/3। देखिए आपने ऑब्वियसली tan x को क्या मानेंगे आप, t, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो एक तरह से tan x की पावर कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो tan x की पावर 4/3 ऊपर जाएगा तो -4/3, तो +1 करोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, एक तरह से tan x की पावर माइनस जब -1/3 अपॉन -1/3, राइट। अब ये मैंने स्टेप्स आपकी स्टेप की, अभी बताता हूँ आपको कि क्या क्या स्टेप्स आप लिखते, अगर लिखते तो 5/3, तो एक तरह से -3 बाहर लिख सकते हैं आप चाहें तो, और जब π/3 लिखेंगे तो √3 की पावर कितनी, -1/3 -1/√3 की पावर -1/3, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं -3 की पावर 1/6 -3 की पावर ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/6, राइट। माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा हो जाएगा 3 की पावर 7/6 -3 की पावर, ये +1 कर देंगे तो 5/6। अब आपने क्या किया, देखिए यहां पर कुछ स्टेप सेव करी, जब ये स्टेप आ गई थी तो समझिए क्या होता है, हर स्टेप हर छोटे छोटे वर्क आपके मैटर करते हैं, जैसे sec स्क्वायर x अपॉन tan x की पावर कितना आ गया था 4/3। अब आप यहां पर लिखते हैं tan x इक्वल टू t, हर स्टेप कम से कम सेकंड सेव करती है, देन डिफरेंशिएट करते तो आप लिखते sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, लिमिट पुट करते तो 1/√3, ये हो गया √3, ये हो गया dt अपॉन t की पावर 4/3 एंड t की पावर -4/3 जाएगा जब ऊपर ले जाएंगे, राइट, और फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये एक तरीका हो सकता है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी 4x - 3y + λ = 0 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन दिस लाइन। ओके, समझ लीजिए, सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये हो गई, इस पर अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकालू तो ये डिस्टेंस दिया है 3/5 यूनिट, तो कितना हो जाएगा पीएम 3/5, बिल्कुल ही सिंपल है, ओरिजिन से निकालना तो डायरेक्ट लेमडा अपॉन 5 लिख सकते हो, 5 से 5 कैंसिल, लेमडा इक्वल टू +-3, यानी लॉजिकली इक्वेशन ये होगी 4x - 3y + 3 = 0,
और एक होगी 4x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस लाइन पर कौन सा पॉइंट होगा ये क्वेश्चन पूछा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाय ऑन दिस लाइन। आप ऑप्शन ए रखा है इसमें, दोनों को ही देखना है। तो 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 माइनस 2 प्लस 3, ये नहीं कर रहा है इसको, यहां पर भी चेक कर सकते पर पहले इसी को कर लें। अब ये रखा माइनस 1/4, तो माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 ये कर रहा है, दिस इज द राइट आंसर। मान लो इसको कोई ऑप्शन नहीं कर रहा था तो फिर इसको भी चेक कर सकते थे, क्योंकि आपको यहां पर डिस्टेंस बोला हुआ था। जब भी डिस्टेंस गिवन हो तो हमेशा याद रखिए प्लस माइनस लीजिएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन समझ, सिंपल क्वेश्चन है, हर एक में लिमिट के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अब एक बात लॉजिक से समझिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। सबसे पहले लिमिट इसमें एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2x माइनस ऑफ ए एक्स का 1 अपॉन 1 इक्वल टू 5, x के प्लेस पे 1 रख दिया तो 2 माइनस ए इक्वल टू 5, देन ए इक्वल टू माइनस ऑफ 3, राइट। आप समझिएगा थोड़ा लॉजिक से कि अगर ए की वैल्यू माइनस 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1, यस और नो। अच्छा, एक और कि इसका एक फैक्टर अगर इसमें मैं 1 रख दूं तो 0 मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि 0/0 अप्लाई होता है, तो रख दो 1, तो 1 प्लस 3 प्लस बी इक्वल टू 0, देन बी इक्वल टू माइनस 4। अब ए की वैल्यू माइनस 3, बी की वैल्यू माइनस 4, देन ए प्लस बी बोला है, तो दिस इज माइनस ऑफ 7, माइनस ऑफ 7। समझिएगा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लॉजिक से भी समझो। अगर यहां पे 1 रखोगे तो 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 आएगा, राइट, 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। एक बात और, एल हॉस्पिटल से जब सॉल्व किया तो इसका जो x की जगह 1 करेंगे तो ये रिजल्ट मिलता है 5। तो इन दो कंडीशन से आपने a और b की वैल्यू निकाल ली, तो a प्लस बी पूछा है तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस 7। यानी किस लॉजिक से क्वेश्चन कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, एक बार फिर समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2x माइनस ए अपॉन 1 इक्वल टू 5, x टेंस टू 1 दिया तो 1 रख दिया, 2 माइनस ए इक्वल टू 5 तो a मिल गया, a माइनस 3 आ गया। सिमिलरली इस एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हो रहा है, तो 1 पुट करने पे 0/0 की फॉर्म आती, तो 1 पुट करके 0 से इक्वेट किया तो b मिल गया, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन रिपीट है, क्या रिपीट कैसे, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया भी था बताया कि जो चीजें पढ़ा रहा हूं उसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, सिमिलर क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए बोला आ कॉइन इज टॉस एंड टाइम एटलीस्ट 1 हेड, याद होगा 1 एटलीस्ट 1 हेड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला 1 माइनस 1 अपॉन 2 पावर n, एटलीस्ट 1 हेड इज 99% वैल्यू ऑफ, राइट। कॉइन इज टॉस एंड टाइम इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज एटलीस्ट 99%, यानी 99% है, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने किया था तो ये हो गया 99/100, तो 1 माइनस 99/100 100 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 पावर n, या ऐसा बोल सकते हैं 1 अपॉन 2 पावर n लेस देन 1/100, बिल्कुल। उसमें बस 99% की जगह 90% था, यहां पर 99% हो गया। अब n की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि ये बड़ा हो जाए, तो देखिए अगर मैं n की जगह 6 रख दूं तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, राइट, क्योंकि 1 अपॉन 64 ग्रेटर देन, तो n की वैल्यू क्या हो गई 7, क्योंकि n की वैल्यू जैसे ही 7 रखेंगे तो ये 1 अपॉन 128 आएगा, ये 1 अपॉन 100 आएगा, ऑब्वियसली 1 अपॉन 100 बड़ा होगा 1 अपॉन 28 से, तो लीस्ट वैल्यू पूछी थी तो n की वैल्यू हो गई 7। ये कि सिमिलर क्वेश्चन आया था बट उस क्वेश्चन में 99 की जगह 90% था, इसमें 99% दिया, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।